मैं हूँ सेक्टर दो के अटल बिहारी पार्क है ना जी, जी अटल पार्क में, और लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए हैं। राहुल ने कहा है कि भाई मैं हिंदू तो हूँ लेकिन मेरे अंदर हिंदुत्व नहीं है, तो लोगों की प्रतिक्रिया जानने के लिए मैं इच्छुक था। तो आप सभी लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं, सेक्टर दो के गणमान्य यहाँ के नागरिक हैं, तो आप सबसे जानने की कोशिश करते हैं कि भाई इसका क्या मतलब निकला और क्या संदेश भारत को, जहाँ की संस्कृति ही हिंदू है, और उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अपना प्लीज नाम बताएं और बताएं थोड़ा सा कि ये क्या मतलब निकला इस बात का। मेरा नरेंद्र सिंह तोमर, वो अगर हिंदुत्व वाली बात करता है, वो विदेश में रहा है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है कि हिंदुत्व क्या है जी, इसीलिए ना हिंदू की मालूम है ना हिंदुत्व की मालूम है उसको जी। ये तो क्या कोई हिंदू बिना हिंदुत्व के हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी, ऐसा राहुल हो सकता है जी 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 जी। कहना चाहेंगे? नहीं नहीं बस जी, ठीक है। तोमर जी ने बोल दिया, राहुल जी को यही पता नहीं होता मैंने क्या बोलना है, उसका अर्थ क्या निकलेगा। वो पप्पू है, पप्पू ही रहेगा जी। बोलना चाहेंगे कुछ? बोलो कुछ राहुल के बारे में बताओ जरा। वो कहता है मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू तो नहीं है, मेरे हिंदू है ही नहीं, पहले से हिंदू नहीं था, कोई भी हिंदू नहीं था, हिंदुस्तान को समझ नहीं पाया तो क्या हिंदू। उसे देवी देवताओं का कोई ज्ञान ही नहीं, सिर्फ वोट बैंक की नहीं, हिंदू हिंदू तो कोई पता नहीं है, हिंदू अलग है, हिंदू तो अलग है उसके हिसाब से, वही चीज एक होती है। तो अभी संतों ने भी, आपने देखा होगा वहाँ पर अपना संतों का एक संगम हुआ है, उसके बारे में भी कुछ बताना चाहें। चित्रकूट में जो हुआ है, हाँ, इसी कंसेप्ट पर वहाँ पर डिस्कशन हुआ है, अगर न्यूज में सुनी हो तो। उन्होंने ये बोला है कि हिंदू राष्ट्र को एक होना चाहिए और समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए जी। चलो ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।